नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया आपके लिए, महिंद्रा 265 डी आई एक्स पी प्लस और महिंद्रा 275 डी आई एक्स पी प्लस ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए नई नई वीडियो देखने के लिए। ट्रैक्टर की दोनों की लंबाई की बात करें तो 275 डी आई एक्स पी प्लस की लंबाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी 265 के मुकाबले में। 265 की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर पावर के साथ मिलेगा। ट्रैक्टर में आपको 33 HP के हॉर्स पावर का इसमें आपको मिलेगा। फ्रंट में आपको शानदार दमदार लुक और ग्रिल के साथ ट्रैक्टर का लुक और भी अट्रैक्टिव हो रहा है। महिंद्रा का क्रोम फिनिश के साथ आपको फ्रंट में ब्रांडिंग मिलेगी। अच्छी लंबाई ट्रैक्टर में और एडजस्टेबल स्वेट एक्सल आपको नहीं मिलेगा ट्रैक्टर में आपको, और इस एक्सल में आपको कटाई ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ट्रैक्टर में टायर की फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें 616 का फ्रंट टायर का साइज़ है। क्रोम फिनिश के साथ महिंद्रा की आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है 265 की, 3 सिलेंडर पावर के साथ, 33 HP की पावर के साथ, वाटर कूल्ड के साथ, 2235 CC की इसमें आपको CC पावर मिलने वाली है 2000 इंजन रेटेड RPM के साथ। प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेन प्लेटफॉर्म कह नहीं सकते, प्लेटफॉर्म ठीक ठाक है और 3 स्टेज ऑल बात एयर क्लीनर मिलेगा प्री क्लीनर के साथ। एक अच्छा स्टीयरिंग है, छोटा स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पर आपको अच्छी ग्रिप मिलने वाली है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर ट्रैक्टर में आपको मिलने वाले हैं। कॉन्स्टेंट मैस स्लाइडिंग गियर बॉक्स के साथ आपको इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाले हैं। सिंगल क्लच का ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन मिलने वाला है और ड्यूल क्लच का ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है। 55 लीटर का फ्यूल टैंक का इसमें आपको कैपेसिटी मिलेगी और 124.7 का टॉर्क मिलने वाला है। 124.7 का इसमें आपको ट्रैक्टर में आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की PTO HP कैटेगरी की बात करें, 29.6 PTO HP इसमें आपको मिलेगी 540 चक्कर के साथ इस ट्रैक्टर में आपको। और फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो 28.5 की इसकी फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड है और रिवर्स स्पीड 11.5 की। पीछे की बात करो, शानदार मजबूत इसमें आपको लिंकेज मिलने वाले पीछे, और हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करो 1400 kg से लेकर 1500 kg तक ट्रैक्टर आराम से वेट उठा सकता है। 2 सेंस के साथ आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है और ट्रैक्टर हाइड्रोलिक कैपेसिटी मैंने बता दिया 1400 से लेकर 1500 kg तक के ट्रैक्टर आराम से वेट उठा सकता है। ट्रैक्टर में आपको मैनुअल और पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। अब बात करते हैं 275 डी आई एक्स पी प्लस ट्रैक्टर की। ये ट्रैक्टर आपको 37 हॉर्स पावर में मिलने वाला है, वो ट्रैक्टर आपको 33 HP में मिलने वाला था। अब इस ट्रैक्टर में आपको सीसी पावर की बात करते हैं, 2235 CC पावर मिलने वाली है 3 सिलेंडर पावर के साथ। वाटर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलेगा, कूलिंग सिस्टम मिलेगा, 3 स्टेज ऑयल बाथ का इंजन मिलेगा जो कि प्री क्लीनर के साथ मिलेगा। ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग मिलेगा। ट्रैक्टर में आपको क्रोम फिनिश के साथ अच्छी ब्रांडिंग मिलेगी। ब्रांडिंग की बात करें, सेम ब्रांडिंग आपको देखने मिलेगी। 3 सिलेंडर बोसेज कंपनी का इनलाइन पंप है। सेम आपको इसमें आपको जो एक्सल देखने को मिलेगा सेम, और सिंगल फिल्टर के साथ उस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल फिल्टर मिल रहे थे। फ्रंट टायर की बात करें तो 616 के इसमें आपको फ्रंट टायर का साइज मिलेगा। रियर की बात करें 13628 और 12028 का उस ट्रैक्टर में भी आपको सेम ऑप्शन मिल रहे थे। प्लेटफॉर्म भी दोनों ट्रैक्टर के सेम प्लेटफॉर्म है और ट्रैक्टर की लंबाई इस ट्रैक्टर की इस ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा है। और छोटा स्टीयरिंग और फ्यूल टैंक की बात करें तो 55 लीटर का फ्यूल टैंक का आपको इसमें कैपेसिटी मिलने वाली है। 136 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलने वाला है 2100 इंजन रेटेड RPM के साथ। डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है 3 स्टेज ऑल बाथ एयर क्लीनर के साथ। ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक पावर की 1480 kg की इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर आराम से मिल जाएगी। फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो इस सेक्टर में आपको 28.5 की फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी और 11.4 की फॉरवर्ड की रिवर्स स्पीड मिलेगी। ट्रैक्टर में आपको 32.9 HP की इसमें PTO पावर मिलेगी 6 स्प्लाइन के साथ। 1800 kg इस ट्रैक्टर में आपको आराम से ट्रैक्टर का वजन है 1800 kg ट्रैक्टर का, और 1500 से लेकर 1600 kg तक ये ट्रैक्टर वेट आराम से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ट्रैक्टर में आपको। 8 फॉरवर्ड 2 पार्शियल कॉन्स्टेंट मैस गियरबॉक्स के साथ आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। सिंगल और ड्यूल क्लच का ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। उस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ सिंगल क्लच का ऑप्शन मिल रहा था, इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और ड्यूल क्लच का दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। ट्रैक्टर में आपको एक अच्छा बैटरी कवर मिलने वाला है जो कि आपको बैटरी भीगने से आपको आराम से बचाएगा। ट्रैक्टर का दोनों के ट्रैक्टर लगभग सेम है, पर 275 अगर आप 265 लेना चाहते हो तो आप 275 को कंसीडर करके चले, अच्छा ट्रैक्टर है। और एक बार मैं ट्रैक्टर का फिर से रिव्यू कर देता हूँ आपको। 265 आपको मिलने वाला है 33 HP में और 275 आपको मिलेगा 37 HP में। सीसी पावर की बात करिए 265 की तो इसमें आपको 2235 CC पावर मिलेगी और इसमें भी आपको 2235 CC पावर मिलेगी। 3 सिलेंडर पावर के साथ आपको मिलने वाला है। दोनों ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर पावर मिलेंगी। वाटर कूल सिस्टम है दोनों ट्रैक्टर में। 3 स्टेज ऑयल बाथ का इतना ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है। और 275 की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1500 से लेकर 1600 kg तक आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। पीछे आपको लाइट मिल जाएगी और ट्रैक्टर में आपको 2 सेंस के साथ आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। 265 की टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 124.7 का टॉर्क मिलने वाला है और इस ट्रैक्टर में 275 में आपको 136 का टॉर्क मिलने वाला है। 55 लीटर का फ्यूल टैंक आपको दोनों ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स सेम गियरबॉक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नई नई वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।